स्टैटिस्टिकल एवरेजेस में टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मैं जो अब वीडियो ले रही हूँ इसमें हम लेंगे, इसका क्वेश्चन सेकंड ले रही हूँ। पिछले वीडियो में टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, दो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी, एक सूचना थी हमारी मीडियन की और एक थी हमारी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी की। ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ, यहाँ पर टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी है पर सूचना हमारी थोड़ी सी अलग है, तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया है, यहाँ पर हमारी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, हमें सेंटर साइज़ दे रखी है। सेंटर साइज़ ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ है, तो पहले हमें इसमें सेंटर साइज़ से क्लासेस बनानी होंगी। दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो दो सूचना यहाँ पे एक्स्ट्रा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा सूचना है उसमें एक है हमारा बहुलक मोड और एक है हमारा मध्य का मीडियन। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले मैं यहाँ पर सेंटर साइज़ लिख लेती हूँ। यहाँ पर सेंटर साइज़ दे रखी है हमें 5, 15, 25, 35 एंड 45। तो पहले हम इसे क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस बनाने का तरीका हमारा वही है, इसमें वर्ग अंतराल हमारा समान है, क्लास इंटरवल इक्वल है। तो L1 निकालने के लिए हम कर देंगे मिड वैल्यू माइनस आई अपॉन टू, और L2 निकालने के लिए कर देंगे हम मिड वैल्यू प्लस आई अपॉन टू। यहाँ पे वर्ग अंतराल आई हमारा 10 का आ रहा है, 10 का आधा हो जाएगा 5, यानी इस समय से हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा L1, और यदि इन सब में हम 5 को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा L2। तो यहाँ पे L2 5 - 5 = 0, 10, 20, 30 एंड 40 हो जाएगा, और जब हम इसमें हम प्लस कर देंगे तो 5 + 5 = 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो क्लासेस हमारी बन जाएंगी यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हमारी क्लासेस हैं। फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ दे रखी है 5 missing 20 missing 3, 5 missing 20 missing and 3। अब यहाँ पे हम मिसिंग को एक्स और वाई नाम ही देंगे, क्योंकि टोटल सूचना में हमें टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, हमें मीडियन और मोड दे रखा है। तो एक्स्ट्रा सूचना में एक हमें मीडियन दे रखा है, एक हमें मोड दे रखा है। मीडियन है यहाँ पर हमारा 25 और मोड है यहाँ पर हमारा 25.55। तो यहाँ पर एक बार हम M से इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन हमारी Z से बनेगी, और दोनों को सॉल्व करके हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकलेगी। तो M 25 है तो M के लिए पहले अपन F की CF बनाएंगे। CF अपना हो जाएगा 5X, करने पर यहाँ पे 5X नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अपन लिखेंगे 5 + X, यहाँ पर हो जाएगा 25 + X, यहाँ पर 25 + X + Y, देन 28 + X + Y, लास्ट CF हमारा N होती है। हम स्मॉल m निकाल लेंगे, स्मॉल m हमारा हो जाएगा साइज ऑफ n अपॉन 2 आइटम। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्मॉल m 28 + X + Y / 2 को सॉल्व करने पे निकल जाएगा हमारा ये 14 प्लस, मैंने कल बताया था आपको x से जस्ट पहले जो हमारा x जो हमारी वेरिएबल है इसके जस्ट पहले जो कोफिशंस को हम 1 मानते हैं, 1/2 करेंगे तो 0.5x आ जाएगा, 0.5y आ जाएगा, ये हमें हो जाएगी स्मॉल m की वैल्यू। अब m का जो आंसर है ये डिसाइड करेगा कि हमारी कौन सी मीडियन क्लास रही होगी। तो 25 हमारा जो कि 20 to 30 में आएगा, तो ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी f कहलाएगी, और पिछला जो c है वो हमारा 5 + X हो जाएगा। तो हम फार्मूला अप्लाई कर लें, m = L1 + I / F m - c। तो यहाँ पे m का आंसर है हमारा 25, L1 है हमारा 20, I क्लास इंटरवल 10, इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी 20, स्मॉल m आपने अभी सॉल्व किया था 14 + 0.5 X + 0.5 Y - ये जो है इसको कर देंगे हम मंजिला ब्रैकेट, तो ये हमारा 5 + X इकट्ठा आएगा ब्रैकेट में। अब 20 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 25 - 20 + 10 / 20, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट खोलने पर ये अपना बन जाएगा 14 + 0.5 X + 0.5 Y। अब चूंकि बाहर माइनस है तो 5 भी माइनस का आएगा और यहाँ पर हमारा X भी माइनस का आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4। 25 - 20 ये हमारा हो जाएगा 5, 5 को हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 20 = 10, ब्रैकेट में 14 - 5 ये हमारा आ जाएगा 9,
0.5x है प्लस का और 1x है माइनस का, तो ये लेस हो जाएंगे आपस में, तो हमारा आ जाएगा माइनस 0.5x। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे प्लस का 0.5x है और माइनस का x है, तो इस वेरिएबल के आगे जहाँ कुछ नहीं है उसका अपन कोफिशेंट 1 मानते हैं, यानी हमारा ये 1x है माइनस का और प्लस का 0.5x है, क्योंकि 1 बड़ा है तो चिन्ह यहाँ पर माइनस का ही आएगा, 1 माइनस 0.5 अपना 0.5 आ जाएगा प्लस 0.5y। तो ये हमारा हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 10 इंटू 9, एक बार इससे इंटू करेंगे, एक बार इससे इंटू करेंगे, एक बार इससे इंटू करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस 5x माइनस प्लस 5y। अब x y को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यूज को भेज देंगे सामने, तो ये हमारा बन जाएगा 5x प्लस का हो जाएगा, y माइनस का हो जाएगा 90 माइनस 100। और सॉल्व कर लें तो 5x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 10। ये बन जाएगी हमारी पहली इक्वेशन मीडियन से, यानी मीडियन से हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 10। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे मोड से, तो मोड का जो आंसर है हमारा वो 25.55 है, तो मोड से हम डिसाइड करेंगे, तो मॉडल क्लास रही होगी हमारी, ये भी 2230 रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी F1, पिछली कहलाएगी F0, अगली कहलाएगी F2। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Z इक्वल्स टू, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन L1 प्लस F1 माइनस F0, क्योंकि इसी से हमारा ईजी रहता है सॉल्व करना, माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो जेड का आंसर हमारा यहाँ पर है 25.55 बराबर L1 आ जाएगा हमारा 20, इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है हमारा 20, F0 है X और FY है F2 है Y। तो F1 माइनस F0 यानी 20 माइनस X डिवाइड बाय 2 इंटू 20 माइनस X माइनस Y इंटू I है हमारा 10। वही 20 को हम ये माइनस कर देंगे, तो 25.55 माइनस 20 इक्वल्स टू, इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, तो ये हमारा बन जाएगा 200 माइनस 10x। नीचे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 20 हमारा बन जाएगा 40 माइनस x माइनस y। ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 5.55, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे, एक बार x से करेंगे और एक बार y से करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस 5.55 x माइनस 5.55 y इक्वल्स टू 200 माइनस 10x। अब x को ले आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यूज को भेज देंगे सामने, तो 10x यहाँ पे आगे प्लस का बन जाएगा, प्लस 10x माइनस 5.55x माइनस 5.55 y इक्वल्स टू 200 माइनस 222। और उसको सिंप्लीफाई कर दें तो 10x में से 5.55 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.45x माइनस 5.55y इक्वल्स टू माइनस 22। ये बन जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, तो पहली इक्वेशन थी हमारी 5x माइनस 5y, 5x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 10। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 4.45x माइनस 5.55y इक्वल्स टू माइनस 22। अब हम चाहें तो हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और चाहे तो हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी कन्वीनियंट लगे। मैं इसको और सिंपल करना चाहूँ तो यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये थोड़ा सा ईजी रहेगा सॉल्व करना, मैंने इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि पूरी इक्वेशन 5 से डिविजिबल है तो मैंने उसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5x अपॉन 5 यहाँ पे माइनस x आ गया, माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2। अब ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकंड। इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों को इक्वल करेंगे, तो या तो हम x को इक्वल करेंगे या फिर हम y को इक्वल करेंगे। यदि हमको x को इक्वल करना है तो हमें सेकेंड इक्वेशन को 4.45 से मल्टीप्लाई करना है, और यदि हमें y को इक्वल करना है तो हमको सेकेंड इक्वेशन को 5.55 से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे x को इक्वल करती हूँ तो इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं 4.45 से, तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी 4.45x
-5.55y इक्वल्स टू -22 एज इट इज़ है। इसको इंटू कर देंगे एक बार x से, एक बार होगा ये y से, एक बार होगा ये 2 से, तो ये बन जाएगा 4.45x -4.45y इक्वल्स टू 8.9। अब एक्स को क्रॉस यदि करना है तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, ये कट जाए। अब घटाने पर नीचे के चिन्ह मैंने बदल दिए हैं, तो अब घटाएंगे तो 5.55 में से 4.45 घटाते थे, हमारा बन जाएगा 0.11 -1.1y इक्वल्स टू -13.1। माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल्स टू 13.1 डिवाइड बाई 1.1, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 11.91। फ्रीक्वेंसी चूँकि कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ पर्सनस, नंबर ऑफ़ थिंग्स हमेशा आपके कंप्लीट होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हम पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी 12। तो y 12 हो गया। x निकालने के लिए हम कोई भी इक्वेशन काम में ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई की इक्वेशन काम में ले रही हूँ क्योंकि ईजी रहेगी। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू हमारी सबसे सिंपल इक्वेशन थी, इसमें हम y के मान को पुट कर देंगे, तो ये अपना हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस टू, एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, ये यहाँ क्या प्लस का बन जाएगा, तो x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है 12, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी 10। तो ये तरीका है सॉल्व करने का, जब क्वेश्चन में दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो और हमें सूचना के रूप में मीडियन और मोड दे रखा हो। एक बार वापस से मैं इसको रिवाइज करा देती हूँ। ऐसा क्वेश्चन जब हमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो हम मीडियन और मोड से, तो एक इक्वेशन बनाएंगे हम मीडियन से, यानी मीडियन के आंसर से एक इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन हमारी मोड के आंसर से बनेगी, फिर हम दोनों इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते हैं अपनी इक्वेशन को, वैसे इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे, तो हमारी वो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का आंसर आ जाएगा।